जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड वेलकम बैक टू शुडली लोग कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और ये हम खड़े हैं अपने किचन में टाइम जो है तकरीबन तो सुबह का आठ का हो चुका है और ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि पिछले दो दिन से जो है मुझे बुखार था फीवर था फ्लू हो गया था तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इस वजह से मैं रोज़े नहीं रख पाई वीकनेस हो गई थी और मुंह का टेस्ट भी बहुत कड़वा हो गया था तो आमतौर पर बुखार में ऐसे ही होता है कि बुखार हो जाए तो मुंह का टेस्ट बहुत कड़वा हो जाता है कुछ भी खाने को दिल नहीं करता यहाँ तक कि पानी का भी कोई टेस्ट नहीं होता तो बस इसीलिए जो है मीठे टोस्ट बना लिए साथ तो चाय में नहीं पीती तो इसलिए जो है वो साथ में दूध ले लिया इसमें थोड़ी सी सेवनअप की बोतल डाल लूँगी तो मीठे टोस्ट के साथ जो है बस यही खा ले पी लेंगी जब से कोविड आया है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी लोग जो है घरों से बाहर भी निकलते थे और मास्क पहन के निकलते थे और जैसे ही जो है वो इमरान खान की हुकूमत आई थी तभी से जो है वो कोविड आया है इमरान खान ने नया पाकिस्तान तो बना लिया साथ में जो है वो नई नई बीमारियाँ भी ईजाद कर ली खुद ही हमारे नए पाकिस्तान की सूरत हाल तो पूरी की पूरी बदल गई जैसे ही जो है इमरान खान की हुकूमत आई फ़ौर से जो है वो कोविड भी आ गया एक नई जो है वो डिजीज़ आ गई बीमारी आ गई पूरे मुल्क में जो है वो फैल गई पूरी दुनिया में फैल गई और किस तरह से उसकी सिचुएशन रही किस तरह से लोग जो है वो इससे खौफ ज़्यादा रहे किस तरह से जो है वो अटैक हुआ उसका और कितने लोगों की ज़िंदियाँ गई कितने लोगों की जानों से आवाज़ी आ गए बच्चों की जो है वो स्टडी वगैरह भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है मुतासर हुई इससे और लास्ट ईयर जो है वो देखा ही होगा सब ने जो है वो किस तरह से हमारे जो है वो पाकिस्तान का हमारे मुल्क का जो है वो रिज़ल्ट आया है किस तरह से जो है वो मैट्रिक का इंटर का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है सैकड़ों की तादाद में जो है वो बच्चों की जो है बोर्ड की पोजिशनें आई हैं हालांकि ऐसा जो है वो कभी नहीं होता ऐसा कभी हुआ भी नहीं है तो ये इमरान खान की हुकूमत में ही ऐसा हुआ है क्योंकि हमारा नया पाकिस्तान था तो इसमें कुछ नया भी तो होना ही था ना तो बस ये नया हो नई बीमारियां आ गई नया नया जो है वो सब कुछ हुआ और बाकी जो रही सही कसर थी वो महंगाई ने पूरी कर दी आए दिन जो है वो महंगाई हो रही है दिन ब दिन महंगाई हो रही है इस महंगाई ने तो इवाम की जो है वो कमर ही तोड़ के रख दी महंगाई और चीजों की बढ़ती हुई कीमतें जो है इवाम की बर्दाश्त से बाहर होती गई जो गरीब वाम थी उनके लिए तो दो की रोटी खाना मुश्किल हो गया इमरान खान सही कहता था सही जो है वो उसने कहा था कि इस मुल्क से जो है वो गरीबी को ख़त्म करना है पर हमारे मुल्क के कॉम हमारे मुल्क के लोग जो है वो ये इस बात को समझ ही नहीं सके कि वो इसका मतलब क्या था उसका मतलब यही था कि इस मुल्क से गरीबी को जो है वो गरीबों को ख़त्म करके जो है वो गरीबी ख़त्म होगी इस मुल्क से गरीबों को महंगाई के जरिए जो है वो मारेंगे तभी जो है वो इस मुल्क से गरीबी ख़त्म होगी गरीब जो है वो एक वक्त की रोटी भी ना खाएं और जो है वो फिर भूख से ही वो मर जाएंगे तो ऐसे ही जो है मुल्क से गरीबी को उसने ख़त्म करना था तो वो इसी तरह से जो है कर रहा था इमरान खान तो एक क्रिकेटर था एक कप्तान था कभी सियासत में नहीं आया तो उसे क्या पता कि मुल्क किस तरह से चलाते हैं अचानक से वज़ी अजम बन के बैठ जाएगा तो किस तरह से मुल्क चलाएगा वो जो इंसान अपनी बीवियों को कंट्रोल नहीं कर पाया उन्हें नहीं संभाल पाया तो वो इस मुलक को किस तरह से कंट्रोल करेगा वो किस तरह से कंट्रोल करता है इस मुल्क को आए दिन जो है वो करप्शन हो रही है इतनी ज़्यादा जो है वो हालात मामला संगीन से बन बनते जा रहे हैं बच्चियों के साथ इस तरह से जो है वो ज्यादतियाँ हो रही हैं तो इसके जो है वो जिम्मेदार कौन था इमरान खान ही था ना क्योंकि वजी अजम था हमारे मुल्क का तब तो तो कहाँ होता था वो तब उसे कुछ नहीं भी दिखाई देता था तो कुछ पता नहीं होता था चंद दिन पहले ही जो है वो सात दिन की बच्ची को जो है उसके बाप ने कत्ल कर दिया है गोलियों से फायरिंग करके तो क्या सज़ा मिली है उसको उसको जो है वो फांसी पे लटका दिया गया है बस ये सजा थी उसकी उससे चाहिए था कि उसको जो है वो पूरे पूरे मुल्क के सामने लाइव दिखाकर उससे जो है वो गोलियाँ एक एक हिस्से पे उसकी मारी जाती, ताकि उसको जो है वो उस बच्ची के दर्द का एहसास होता पता चलता और उससे पूछा जाता एक एक गोली मार के उसको पूछा जाता कि हाँ बताओ कितनी तकलीफ हो रही है कितनी अजियत हो रही है लेकिन नहीं उसे जो है वो चोरी छुपे फांसी दे दी गई है या जो है वो उसको उनको छोड़ दिया जाता है उनको आजाद कर दिया जाता है कोई पूछने वाला नहीं होता उनको वैसे ही जो है वो जालमों को शैतानों को मुजरमों को जो है वो छोड़ दिया जाता है कोई पता नहीं होता पाकिस्तान बनाने आया था ना तो बनाता नया पाकिस्तान आजकल जो है वो एक लड़की एक औरत जो है वो घर से जो है वो बाहर कदम नहीं रख सकती अकेली इस तरह के जो है वो हालात हो गई हैं हमारे मुल्क के हालांकि बाहर के ममालिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता बिला खौफ जो है वो हर औरत घर से बाहर जा रही होती है आ रही होती है लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कभी चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या किसी की भी हो इमरान ख़ान वज़र अजम नहीं रहे शहबाज शरीफ साहब जो है वज़र अजम बन गए हैं तो देखते हैं कब ये लोग हमारे मुल्क के लिए क्या करते हैं पहले भी जब शरीफ खानदान की हुकूमत थी तो महंगाई इतनी नहीं थी काफ़ी हद तक हालात जो थे वो बेहतर थे इमरान खान ने तो महंगाई जो है वह तीन गुना ज़्यादा कर दी है तो देखते हैं अब ये लोग जो है वो क्या करते हैं किस तरह से हमारे मुल्क जो को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके आते हैं हमारी बात हमारी बहस जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है तो एक जो है वो बुखार से एक फीवर से जो है वो बात चली है तो चलते चलते जो है वो हम कहाँ से कहाँ तक जो है वो निकल गए हैं बात करते करते हम तो जो है वो दुआई कर सकते हैं खुदा से कि इस हमारे मुल्क को जो है वो अपनी हिजोई मान में रखे और जो भी हुकुमरान हो वो हमारे मुल्क के लिए जो है बेहतर साबित हो आप भी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोग जो है वो किस हुरान के साथ हैं और जो है वो कौन सा हुमरान हमारे मुल्क के लिए बेहतर था या बेहतर होगा आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसे प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आइंदा भी आने वाली वीडियो आप लोगों तक इसलिए पहुँचती रहे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़